जाने रेलवे पटरियों पर क्यों बिछाए जाते हैं पत्थर। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। ट्रेन से सफ़र करना काफ़ी आरामदायक और सस्ता व सुगम होता है। भारतीय रेलवे ही वो प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। भारतीय रेलवे में मजदूरी से लेकर और बड़े ऑफिसर तक हर तरह के पोस्ट होते हैं। भारतीय रेलवे से ही अधिकतर लोग अपनी यात्रा पूरी करना पसंद करते हैं। रेलवे सुरक्षित यात्रा के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन में से भी एक है। आपने भी कई बार भारतीय रेलवे में सफ़र किया होगा। पटरियों पर तेजी से दौड़ती रेल हमारे उत्सुकता को और बढ़ाती है। आप कई बार रेलवे की पटरियों से गुजरे होंगे। रेल की पटरियों पर यानी रेलवे ट्रैक पर आपने ढेर सारे पत्थर के टुकड़े और गिट्टी देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पत्थर और गिट्टी रेलवे ट्रैक पर क्यों बिछाए जाते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों रेलवे ट्रैक पर पत्थर और गिट्टी बिछाए जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर ये पत्थर पटरियों के बीच बिछाए जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर लगी ये पटरियाँ पहले लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन बारिश में इन लकड़ियों के गलने या सड़ने से हादसे की आशंका बनी रहती थी। इसलिए आगे चलकर रेलवे ट्रैक से लकड़ियों के पटरियाँ हटने लगी और अब पटरियों पर सीमेंट की आयताकार सलियाँ यानी पटरियाँ देखने को मिलती हैं। इन्हीं पटरियों के बीच नुकीले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और गिट्टी बिछाए जाते हैं ताकि ये पटरियाँ अपने स्थान पर मजबूती के साथ बनी रहे। यदि पटरियों के बीच ये नुकीले पत्थर नहीं रहेंगे तो पटरियाँ एक जगह स्थिर नहीं रहेंगी। जब भी ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो ट्रैक एक जगह बनी रहे, इसलिए पटरियों का स्थिर रहना भी उतना ही जरूरी है। और इन पटरियों को स्थिर रखने के लिए छोटे छोटे पत्थर और गिट्टी को बिछाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रेन कितना भारी भरकम होता है। ऊपर से ट्रेन से सफ़र कर रहे लोगों का भार भी अलग से ट्रेन के साथ जुड़ता है। जब ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है तो कंपन होते हैं। पटरियों पर बिछे पत्थर इसके कंपन को अवशोषित करते हैं, जिससे शोर भी कम होता है। इसके अलावा ट्रेन की पटरियों पर पड़ने वाले भार को भी पटरी पर बिछे पत्थर संतुलित करते हैं। अभी तक की चर्चा में हमने नुकीले पत्थर की बात की है। शायद आपके दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि केवल नुकीले पत्थर ही क्यों। तो नुकीले पत्थर इसलिए क्योंकि नुकीले पत्थर आपस में एक दूसरे में पकड़ बना लेते हैं और एक ही जगह टिके होते हैं। वो पटरियों को भी स्थिर रखने में मदद करते हैं। यदि पत्थर गोल रहेंगे तो ये आपस में फिसल जाएंगे। इसके अलावा बारिश के समय में पत्थर होने के कारण इस पर पानी लंबे समय तक जमा नहीं होता है या कीचड़ होने जैसी समस्या भी नहीं रहती है। पत्थर बिछाने के कारण इस पर कोई पेड़ पौधे भी नहीं जमते हैं। आपको बता दें कि पटरी पर पेड़ पौधे उगाने से ट्रेन की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है, इसलिए पत्थर बिछाने से यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। चलिए अब जानते हैं कि आखिर किस चीज़ से रेलवे ट्रैक के पत्थर का निर्माण होता है। तो आपको बता दें कि इसे ट्रैक बैलिस्ट भी कहते हैं। इस पत्थर को बनाने में ग्रेनाइट, ट्रैप रॉक, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट या चूना पत्थर के नेचुरल डिपॉजिट से इसे बनाया जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? यदि हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।